Find the intervals in which देखना ये कौन है. फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टू कोस एक्स प्लस एक्स x is greater than 0 less than pi. x is greater than 0 and less than pi is have local maxima. Mein find the interval nahi, find the points. Ye galat likh diya maine. At which has local maxima or local minima. Has local maxima or local minima. Find the point at which fx equal to 2 cos x plus x has local maxima and local minima. Also find its corresponding local maximum and local minimum value. Local maximum and local minimum value. Corresponding local maximum and local minimum value. अब देखिए इसको. Fx equal to 2 cos x plus x. Differentiating with respect to x. F dash x 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin x प्लस 1 फॉर द क्रिटिकल पॉइंट F dash x इक्वल टू 0 या गया माइनस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2 sin x का वैल्यू 1 आ गया तो साइन एक्स का वैल्यू 1/2 आ गया. अब साइन एक्स का वैल्यू 1/2 कब आ रहा है 5/6 क्यों 0 से पाई में 5/6 ही आएगा कि बस 0 टू पाई में 5/6 ही आएगा कि और कुछ भी आएगा ऑनलाइन बेटा 0 टू 6 में 5/6 भी आएगा कि और कुछ भी आएगा. अरे कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सेकंड में क्या आएगा पाई माइनस फिर ऐसे वहां कैसे पता चलेगा तुम्हें. तो एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 5/6 और 5/6 ये दो पॉइंट हो गए जहां पर ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो सकता है. एक्स इक्वल टू 5/6 एंड 5/6 Now double difference f double dash x sir ye step samajh nahi aaya kaun sa ye x equals to pi by 6 or pi minus pi by 6 sin x equal to 1/2 sin ki value 1/2 kab hoti hai sin 30 डिग्री का 30 हाँ 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 6. ओके सर तो अब साइन कहाँ का पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में. इधर देख ले फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव सेकंड में पाई माइनस थीटा साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव. यहाँ पाई प्लस थीटा टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव और यहाँ होता है टू पाई माइनस थीटा कोस और उसका उल्टा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव.
ये होता है, और यहां पर तो ऑल पॉजिटिव थीटा। अब हमारा साइन एक्स का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो साइन एक्स का वैल्यू 1/2 मतलब 30 डिग्री, साइन एक्स का वैल्यू मतलब 1/2 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाय सिक्स। तो एक तो पाई बाय सिक्स आ गया, एक पाई माइनस पाई बाय सिक्स आ गया। अब क्लियर है, बोलो। यस यस सर। अब डबल डिफरेंसिंग, -2 cos 6, नाउ ऐड डबल डेज पाई बाय सिक्स, -2 cos π/6, cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2 लेस देन 0। तो बेटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम। सो देयरफॉर x = π/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f π/6। 2 cos π/6 + π/6, 2 into √3/2 + π/6, so local maximum value is √3/2 + π/6, this is the local maximum value। यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक कोई डाउट? लोकल मैक्सिमम, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 + π/6। f double dash 5π/6, तो cos 5π/6 नेगेटिव होता है सेकंड क्वार्टर, ग्रेटर देन 0। तो x = 5π/6 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू, f 5π/6, 2 cos 5π/6 + 5π/6, 2 into −√3/2, ये इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। This is the local minimum value. ये हमारी इसकी local minimum value है। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या ये समझ में आया कैसे local maxima और local minima निकाला? Online? आज student कम नजर आ रहे हैं इससे आज। Festival season आते ही धीरे धीरे student कम हो जाते हैं, क्या पता क्यों? दिवांश नहीं है आज, दिवांश नहीं है, राहुल नहीं है, एक और गायब है कोई। चलो
Next. Because find the local maximum and local minimum values of, find the local maximum and local minimum values of, minimum values of अरे एक दिन मैंने सवा एक बज गया तो रुझने बजे मैं कल लेट आ गया तो तू भी लेट आज क्योंकि ज्यादा कुछ हो तो सर आप भी तो आए थे कल sec x plus log cos square x x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेस देन टू पाई हमें लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस लॉग कोस स्क्वायर एक्स और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन टू इस वाले में थोड़ी आएगा सेक एक्स प्लस लॉग कोस स्क्वायर एक्स टेस्ट परसों है भाई कल नहीं है कल नहीं है परसों नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डेस एक्स सेक एक्स टेन एक्स वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स टू कोस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स ये आ गया sec x tan x माइनस टू tan x sec x tan x माइनस टू tan x क्या कॉमन आ रहा है sec x माइनस टू फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f dash x equal to 0 tan x sec x minus 2 equal to 0 now tan x equal to 0 by tan x equal to 0 0 se 2 pi mein sirf a ki value aayegi x equal to pi bhai tan 0 0 pe hota hai lekin 0 include hai hi nahi hamare jo interval de rakha hai कि पाई पे और टू पाई भी इंक्लूड नहीं है तो ओनली एक्स इक्वल टू पाई आ सर ये डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया क्यों sec x का डेरिवेटिव sec x tan x sec x का डेरिवेटिव sec x tan x यहां तक कोई दिक्कत नो सर फिर पहले पावर का होगा जरा डिफरेंस लॉग का होगा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है upon cos square x फिर cos power का होगा पहले 2 आ गया जाएगा into 2 cos x और cos x का minus sin ठीक है हाँ वैसे तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना अभी एक बेच चल रहा है 11:30 से 12:30 इसमें उनका determinant चल रहा है अभी आज से चालू किया तो उस determinant complete होते ही फिर मैं यही लूँगा differentiation वाला part तो तेरा जो बचा होगा वो उसमें हो जाएगा ठीक है ना ओके सर किसी को रिवाइज करना है डिटरमिनेंट तो 11:30 से 12:30 आज ही चालू हुआ एक्स इक्वल टू पाई सेक एक्स मान लेकिन कल 11:30 से 12:30 नहीं कल तो टाइमिंग ये यदि किसी को डिटरमिनेंट रिवाइज करना है कल का टाइमिंग ये केवल कल का टाइमिंग तो sec x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू पाई बाई 3 अब sec x एक तो पाई बाई 3 में आएगा और अगली बार कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फोर्थ में
बटा पाई बाय थ्री सेक्स 60 की वैल्यू 1 बाई टू, तो एक तो पाई बाय थ्री आएगा और एक आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय थ्री, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो x इक्वल टू पाई आया, पाई बाय थ्री आया और पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय, तो कितना हो गया 2 पाई माइनस 5। ये तीन वैल्यू आ गए, पाई आ गया, पाई बाय थ्री आ गया और 5 पाई बाय थ्री आ गया, ये तीन वैल्यूज आ गए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पीतल तेरे को ये 5 पाई बाय 3 कैसा है, समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत आ गया। नहीं थोड़ा बहुत क्यों सर, वो अभी क्वाड्रेंट वाले में थोड़ी दिक्कत ही आई थी है, एकदम क्लिक नहीं। नहीं तो वो तो याद रखना पड़ेगा ना, 2 पाई माइनस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो वो याद करो, जो मैंने लिखवाया वो याद करो, हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत। यस सर। चलिए डबल डिफरेंशियल एफ डबल डैश एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स माइनस टू एज इट इज, टेन एक्स एज इट इज और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। नो है, तीनों वैल्यू पे निकालते हैं एफ डबल एस पाई। क्या कर रहा है यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। क्या बोल रहा है तू? अरे यार तू पागल है क्या? बिल्कुल ही यार, क्या दिक्कत आ रही है? अरे यार तो 10x कॉमन नहीं आया क्या तेरा? sec x माइनस टू क्या हो गया तेरे को आजकल? कहाँ ध्यान है? लिखा नहीं क्या था नई वाली लाइन? तो फिर इसका करा है ना डिफरेंशियल? टेन एक्स का sec स्क्वायर x sec x माइनस टू प्लस टेन एक्स एल डी sec x टेन एक्स। नाउ आई हैव डबल डैश पाई, sec स्क्वायर पाई, sec पाई की वैल्यू 10 पाई जीरो होता है, इसको तो छोड़ दो, माइनस वन होती है बेटा sec पाई की वैल्यू, नेगेटिव। सो देयरफॉर x इक्वल टू पाई इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, x इक्वल टू पाई इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। Now f double dash pi by 3 sec square, ये तो जीरो हो गया, देखो sec pi by 3 की वैल्यू 2 है, 10 pi by 3 10 square pi by 3 sec pi by 3 पॉजिटिव वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है। सो x इक्वल टू पाई बाय 3 इज द पॉइंट ऑफ, अच्छा लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ही लो, कौन बात कर रहा है भाई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ पाई क्या था हमारा फंक्शन? सेक पाई की वैल्यू माइनस वन, वो तो जीरो होगी। नाउ एफ डबल डैश पाई बाय थ्री, ये तो जीरो हो गया,
10 square pi by 3 sec pi by 3 positive. Local minimum value. Local minimum value f double dash pi by 3. ये आ गया आपका f pi by 3 sec pi by 3 plus log cos square pi by 3. sec pi by 3 की वैल्यू 2 और cos square pi by 3 की वैल्यू 1 by 2 का स्क्वायर. तो log 2 plus log 1 by 4. now f double dash 5 pi by 3. तो sec 5 pi by 3 वो sec square ये यहां पर रखेंगे बेटा, ये रख 10 स्क्वायर 5 पाई बाय 3 वो तो जीरो होएगा, इसकी तो दिक्कत ही नहीं क्योंकि sec 5 पाई 3 2 होता है 5 पाई बाय 3. तो 10 स्क्वायर 5 पाई बाय 3 sec 5 पाई बाय 3 ये भी पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव? ये स्क्वायर है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो लोकल मिनिमम वैल्यू वैल्यू सेम आएगी भाई एफ डबल डैश फाइव पाई बाय थ्री पे. एफ पाई बाय थ्री तो सेट फाइव पाई बाय थ्री प्लस लॉग कोस स्क्वायर फाइव पाई बाय थ्री आ गया टू प्लस लॉग वन बाय थ्री. तो इसकी ये लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई. लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. अब इसको कहां समझाना है ये बता दो मुझे. लेंथी जरूर है लेकिन कहां समझाना है ये बता दीजिए. बोलिए सर. सर ये कैसे पता चला कि 10 स्क्वायर पाई बाय 3 sec पाई बाय 3 ग्रेटर है 0 से? 10 स्क्वायर का मतलब, 10 स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव ठीक है. और sec पाई बाय 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है? पाई बाय 3. 5 पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू? कौन से में पूछा? पाई बाय 3 पूछा, 5 पाई बाय 3 पूछा? पहले देखो ये पाई बाय 3 वाला. फाइव बाय थ्री तो वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है ये बता दो. कोई सा भी नहीं. अच्छा सा है. हाँ सर. और ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है? यस सर. और सेक फाइव फाइव बाय थ्री कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू? फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू. यस सर. फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव. ठीक है सर. यस सर. क्लियर? सरी नीचे क्या लिख रहा है? 2 प्लस लॉग 1 बाय 1 बाय 4 भाई cos pi 5 pi by 3 की वैल्यू 1 बाय 2. 1 बाय 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाय 4. तो ये वैल्यू आई 2 प्लस लॉग 1 बाय 4. ठीक है? यस सर. चलिए भाई अगला लिखो. बुक देना है एक बार एनसीईआरटी. लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम. Find the absolute maximum. Find the absolute maximum and minimum values. Minimum values
of a function given by f x equal to 12 x की पावर 4 by 3 माइनस 6 x की पावर 1 by 3। सिर्फ मुझे ये निकालना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, और मुझे ये पता नहीं करना कि भाई मैक्सिमा कहाँ आ रहा है मिनिमा कहाँ आ रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। 12 x की पावर 4 by 3 माइनस 6 x की पावर 1 by 3, इसका हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इक्वल टू 12 x की पावर 4 by 3 माइनस 6 x की पावर 1 by 3। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स 4 by 3 ऊपर चला गया, ऊपर पावर कम करो भाई 1 by 3, और यहां पावर कम करो माइनस 2 by 3। लिखो भाई 16 x की पावर 1 by 3 माइनस 2 x की पावर माइनस 2 by 3, 16 x की पावर 1 by 3 माइनस 2 x की पावर माइनस 2 by 3। x की पावर 2 by 3 एलसीएम ले लो। भाई 2 by 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ पावर 1 by 3 से, तो पावर कितनी हो गई 2 by 3 plus 1 by 3, अरे पावर ऐड होती है तो 2 by 3 plus 1 by 3 1, तो 16x minus 2 आएगा ऊपर एलसीएम, ऊपर एलसीएम लेने पर 16x minus 2 आएगा। क्या कॉमन आ रहा है, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8x माइनस 1 अपॉन x की पावर 2 बाय 3 इक्वल टू 0। तो 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू, ये तीन वैल्यू पर आपको निकालना है, एक तो माइनस 1 पर भाई, एक तो एंड पॉइंट्स और एक 1 by 8, तीन वैल्यू पर आपको वैल्यू निकालना है और फिर चेक करना है कहां मैक्सिमा आ रहा है कहां मिनिमा। सर सर ये 16x कैसे आया, 16x minus 2 divided by x की पावर 2 by 3। बेटा उस समय बताया था जब तो तेने पूछा नहीं, मैंने बोला भी था कि भाई कितना है ये वाली वैल्यू, जब एलसीएम लेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बोल होगा सर। तो 16x की पावर 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2 by 3 ये आएगा, यस सर। पावर ऐड होती है कि नहीं होती, होती है सर। पावर ऐड कर सर आएगा 3 by 3, तो कितना आया सर 1 आ गया, यस सर। नौ मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ माइनस वन, एफ माइनस वन क्या है, फंक्शन क्या है,
12x की पावर, तो 12x मतलब 1 की माइनस 1 की पावर 4 बाई 3 माइनस 6 माइनस 1 की पावर, बेटा कौन बताएगा माइनस 1 की पावर 4 बाई 3 क्या होता है, कौन बताएगा देखते हैं माइनस 1 की पावर 4 बाई 3 की वैल्यू क्या आएगी। सब प्लस 1, बिल्कुल सही है प्लस 1। अरे माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 और 1 की पावर 1 बाई 3 1, ये पहली वैल्यू आएगी प्लस 1। माइनस 1 की पावर 1 बाई 3 क्या आएगा माइनस 1 माइनस 1। यहां पर माइनस 1 की पावर 4 था उसने उसको प्लस 1 बना दिया और 1 की पावर 1 बाई 3 1, यहां माइनस 1 की पावर 1 बाई 3 है तो माइनस 1, तो 12 प्लस 6 इक्वल टू 18, ये माइनस 1 पर वैल्यू आ गई इसकी। एफ 0 नहीं, 0 क्यों, 1 बाई 8 12 1 बाई 8 की पावर 4 बाई 3, बेटा 1 बाई 8 की पावर 4 बाई 3 कोई बताएगा कितना आएगा, बेटा ये सोल्व करना आना चाहिए, 1 बाई 8 की पावर 4 बाई 3 बताओ 1 बाई 16, और 1 बाई 8 किसका क्यूब होता है, 1 बाई 2 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो 1 बाई 2 की पावर 4 आ गई, तो 1 बाई 2 की पावर 4 कितना हो गया 1 बाई 16, और ये तो 1 बाई 2 हो ही जाएगा। F1 F1 की वैल्यू 6 बोलो, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 18, at x equal to, मैंने absolute maximum बोलो, absolute maximum, और absolute minimum value 6, at x equal to, minus 9 by 4, at x equal to, यह आंसर है। अब एक बार वापस से इसको डिस्कस कर लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, बोलिए। सर बोल, सर अगर यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आता ना, बस मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती, मतलब अगर एब्सोल्यूट की जगह सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू लिखा होता, कुछ भी लिखा होता तो भी वही है, मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू में अंतर थोड़ी है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, यदि कुछ नहीं बोला गया भाई, जितनी भी वैल्यू आ रही है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहिए, दोनों में अंतर थोड़ी है। ओके सर,
दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा, ये लिख लिया हो तो दोबारा कनेक्ट कर लीजिए।